गुंथन ने मेंशन किया है ब्रॉक लेसनर को, चलिए जानते हैं क्या कुछ कहा है गुंथन ने ब्रॉक लेसनर के बारे में। जेउस जीत सकता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को। समर स्लैम के अंदर लोगन पॉल और एलन नाइट का मैच होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर और भी बहुत सारी अपडेट्स होने वाली है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चले भाई बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोलो सिकोवा के बारे में। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर गए हुए हैं टामा टोंगा, उसी के ऊपर सोलो सिकोवा का रिएक्शन निकल के सामने है। सोलो सिकोवा कहते हैं कि जो टामा टोंगा है वही किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को जीतेगा। इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है क्या किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर टामा टोंगा जीतने वाले? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, आपको क्या लगता है आप लोग बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुंथर और ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो अभी गुंथर ने ब्रॉक लेसनर को मेंशन किया है। गुंथर कहते हैं कि मैं ब्रॉक लेसनर को अपने फाइनल बॉस की तरह देखता हूं। क्या गुंथर ऐसा बताना चाहता है कि उनका मैच ब्रॉक लेसनर के साथ बहुत जल्दी होने वाला है? जैसे उनका मैच भाई होने ही वाला है बहुत जल्दी, जैसे ही ब्रॉक लेसनर आएंगे वैसे गुंथर उनका मैच होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेसलमेनिया 41 के बारे में। तो देखो अभी बताया ऐसा जा रहा है कि कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का मैच WWE रेसलमेनिया 41 में करवा सकती है। इसी के साथ साथ WWE ड्रू मैकइंटायर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का एक ट्रिपल थ्रेट मैच भी करा सकती है। आप लोग देख सकते हो ड्रू मैकइंटायर के पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, इसका मतलब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ड्रू मैकइंटायर तो बनने ही वाले हैं। अपडेट भी ड्रू मैकइंटायर से जुड़ी हुई है, जिससे रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर का मैच हुआ था क्लैश एट द कासल के अंदर, यहाँ पे रोमन रेंस ने ड्रू मैकइंटायर को हरा दिया था। तो ठीक है, ऐसी सिचुएशन हमें एक बार फिर से दिखाई देने वाली है। हम लोग भाई पहले अपडेट देखो, अपडेट का कुछ ऐसा कहना है कि पिछली बार जब ड्रू मैकइंटायर को रोमन रेंस ने हराया था क्लैश एट द कासल के अंदर, ऐसे हमें इस बार भी क्लैश एट द कासल 2024 में देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे ड्रू मैकइंटायर का मैच होने वाला है डेमन प्रीस्ट के साथ। इस मैच के अंदर ड्रू मैकइंटायर को मौका मिलने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीतने का, और ड्रू मैकइंटायर उस चैंपियनशिप को जीतने भी वाले हैं। पिछली बार जो क्लैश एट द कासल हुआ था जहाँ पे रोमन रेंस का मैच हुआ था ड्रू मैकइंटायर के साथ, वो ड्रू मैकइंटायर के होम टाउन के अंदर ही हुआ था। वहाँ पर ड्रू मैकइंटायर को रोमन रेंस चैंपियनशिप को जीतने का मौका मिला था, लेकिन वहाँ पर ड्रू मैकइंटायर चैंपियनशिप को नहीं जीत पाए थे। तो सेम इसी तरह WWE इस बार भी करवाने वाली है। इस बार जो मैच होगा ड्रू मैकइंटायर और डेमन प्रीस्ट का, वो भी ड्रू मैकइंटायर के होम टाउन के अंदर ही होगा। इस बार फिर से ड्रू मैकइंटायर को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीतने का मौका मिलेगा। बढ़ते हैं, बात करते हैं जे उसो के बारे में। तो जैसे आप सभी लोगों को पता होगा WWE जे उसो को ब्लड लाइन के अंदर डालने वाली है। जे उसो ब्लड लाइन के अंदर जाने से पहले क्या एक सिंगल टाइटल को जीत सकता है? क्या वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सकते हैं या फिर वो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीत सकते हैं? लेकर अपडेट आई है कि क्या जे उसो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को या फिर इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीत सकते हैं? जिस पर WWE के ऊपर डिपेंड है, अगर WWE चाहेगी तो जे उसो को जितवाएगी, नहीं तो नहीं जितवाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोडी रोड्स और रॉक के बारे में। जैसा कि अभी रूमर्स फैल रहे हैं कि कोडी रोड्स और रॉक का मैच WWE रेसलमेनिया 41 के अंदर करवाने वाले हैं, अपडेट निकल के सामने आया कि WWE को कोडी रोड्स और रॉक का मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर ना करवा के समर स्लैम के अंदर करवाना चाहिए, क्योंकि रेसलमेनिया 41 के बड़े इवेंट के अंदर कोडी रोड्स और रॉक का मैच अच्छा नहीं लगने वाला है। WWE ने दो बार रोमन रेंस और रॉक का मैच कैंसिल कर दिया, लेकिन इस बार नहीं होगा। रेसलमेनिया 41 के अंदर WWE को रोमन रेंस और रॉक का मैच करवाना चाहिए, कोडी रोड्स और रॉक के इस वाले मैच को वो समर स्लैम के अंदर करवा सकती है। बढ़ते हैं, बात करते हैं एलन नाइट और लोगन पॉल के बारे में। तो देखो भाई, बहुत देर से ऐसा बताया जा रहा था कि एलन नाइट और लोगन पॉल का मैच आपको WWE के अंदर देखने को मिलेगा। इस बार हमने स्मैकडाउन के अंदर भी देखा, एलन नाइट जाके कन्फर्म करते हैं लोगन पॉल को। अपडेट निकल के सामने आया कि लोगन पॉल और एलन नाइट का मैच हो सकता है समर स्लैम के अंदर। फाइनली एलन नाइट को मौका मिलेगा, लोगन पॉल अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को हारने वाले और एलन नाइट न्यू चैंपियन बनने वाले हैं। आज के वीडियो के लिए ये कुछ अपडेट थी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो भाई ऐसे वीडियोस के लिए आप सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आप सबसे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में।